हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्लम्बिंग एंड सिविल वर्क चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको वाटर टैंक फिटिंग किस तरह से करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी देता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको टंकी फिटिंग किस तरह से करते हैं और दोनों टंकी को एक साथ फिटिंग करना है, एक ही लेवल दोनों का पानी रहना चाहिए। और हमने इधर ये निपल गर्म करने के लिए रख दिया है जो टाकी को होलने के काम आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने टंकी को होल मार लिया है। गर्म जो जी आई का निपल रहता है उससे गर्म से होल मार लिया है। और यह हमारा टैंक निप्पल है, इसकी साइज है 1.25 इंच। तो हम यहाँ पे हमारे 1 इंच की CPVC पाइपलाइन है, तो एक जन बाहर से और एक जन टंकी के अंदर से उस टैंक निप्पल को लगाते हुए टैंक निप्पल लगाते टाइम उसको एक वायर अंदर से जरूरी है। इसको ये देखिए, इस तरह से उसको हल्के हाथ से ज़ोर से टाइट नहीं करना है ताकि वो क्रैक कर जाता है। उसको हल्के हाथ से टाइट करना है, थोड़ा सा वायसर दब गया तो उसको टाइट करने के लिए छोड़ देना है, बस वो टाइट जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोनों टंकी का पानी एक साथ उस सेकेंड टंकी में इनलेट रहने वाला है और आउटलेट भी एक राइट साइड में एक आउटलेट है और एक लेफ्ट साइड में। तो दोनों आउटलेट में दोनों टंकी सेम तरह से पानी जाने वाला है। तो देखिए मैं किस तरह से फिटिंग करता हूँ। सबसे पहले हमने ये गेट वाल लिया है टंकी को। सबसे पहले हम हमारे लैंग्वेज में उसको बॉल वाल कहते हैं, तो बॉल वाल लगा देते हैं। बॉल वाल लगाने के ये फ़ायदा रहता है कि अगर हम टंकी का पानी रुका सकते हैं और चालू बंद कर सकते हैं कभी नीचे कुछ मेंटेनेंस करने का रहा तो। उसके बाद रहता है ये यूनियन का भी यही फ़ायदा रहता है कि दोस्तों कि अगर आप टंकी को क्लीनिंग वगैरह बाय चांस कुछ भी काम करने कराए उसको हटाने कराए हो तो यूनियन खोल के टंकी और पाइपलाइन अलग हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे टी मार रहा हूँ। टी इसलिए मार रहा हूँ किसके बाजू में हमारे यहाँ और एक टंकी बैठने वाली है और उसी साइड में एक हमारा आउटलेट है और एक लेफ्ट साइड में जो पीछे पाइप दिख रहा है मेरे वो एयर पाइप है और उधर भी एक आउटलेट है। उधर एक टॉयलेट बना हुआ है, इधर राइट साइड में एक टॉयलेट है। तो दोनों इसमें हमें आउटलेट छोड़ना है, इसलिए हमने यहाँ पर टी मारी है। और टंकी का एयर पाइप वो हमने उधर ही पहले ही दे दिया था। ये सिर्फ हम आपको टंकी फिटिंग किस तरह कर दे वो बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से टेप से हम माप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी एक साइड से जो हमारी पाइपलाइन है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी दूसरे टंकी की। ये हमने इधर से एयर पाइप पहले दे चुका था। दूसरे टंकी को भी सेम उसी तरह से उसको टैंक निप्पल लगाना है। और जो टंकी कवर रहता है दोस्तों, एक तो टैंक निप्पल से मारो या कटर मशीन का जो उसका बीट आता है 1 इंच 1.5 इंच 1.75 इंच उससे मारो ताकि टंकी में कुछ नुकसान नहीं होता है। उसी साइज़ में होल गिरता है जिस साइज़ का हमारा टैंक निप्पल रहता है। थोड़ा
थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, पर थोड़ा ज़्यादा होल गिर गया तो वो वाइसर से बाहर आ गया तो पानी लीक होता है, वैसे करके उसको उसी साइज़ में होल गिराना ज़रूरी है जिस साइज में हमारा टैंक निपल रहता है। उसके बाद इसमें भी एक गेट वाल वॉल वाल जिससे हम कहते हैं वो वॉल वाल लगा देंगे। और इसको भी एक यूनियन लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी हम इसको टी मारने वाले हैं। ये देखिए जो राइट साइड में पाइप जा रहा है वो उधर भी एक टॉयलेट है, और वो जो लेफ्ट साइड से पाइप आया वाला है वो उधर के टंकी को मिलते ही इधर आया है वो। यह हमारे वाटर टैंक का साइज़ है, एक टंकी 1,500 लीटर की है। दोनों टंकी में पानी गिरेगा तो एक साथ ही हमें दोनों टंकी भरने वाली है, इस तरह से हम ये फिटिंग करने वाले हैं। अगर दोनों टंकी का गेट वाल चालू रहेगा तो जो टंकी में पानी इन होने वाला है तो उससे दोनों टंकी का पानी की लेवल भरते टाइम एक लेवल ही भरते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मेरे पास ये थोड़ा पाइप कम गिर रहा था तो मैंने यहाँ पे कपलिंग मार ली है, और ये जो पाइप का टुकड़ा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। और इस आखिरी कनेक्शन के लिए हमने ये यूनियन को खोल दिया है ताकि हमको पाइप को नीचे ऊपर करने में कोई तकलीफ ना हो। यूनियन खोलने के बाद उसको पाइप बिठा देंगे और यूनियन को फिर से हम लगा लेंगे। ये तो हमारा आउटलेट का कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद बारी आती है जो टंकी में पानी इन होता है इनलेट की, तो इनलेट के लिए हमने एक 2.5 या 3 इंच का टुकड़ा है उसको मैं ये पीएलपो लगा के टंकी में छोड़ देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद उसको आप माप लेके उसके साइज़ में पाइप कटिंग कर लेने के बाद उसमें फंसा देता हूँ। देखिए इस तरह से पाइप की एक लेआउट रहनी चाहिए, वैसी साइज लेके ही मैं इनलेट का पाइप कट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना है, और एक नई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचे। और ये एल्बो लगा देता हूँ तो हमारी वाटर टैंक का फिटिंग कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। देखिए ये हमारा वाटर टैंक फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।